ग्वालियर में एक दंपत्ति अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दंपत्ति का आरोप है कि उनकी बेटी पिछले 37 दिनों से लापता है। हम रोज थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई करने से बच रही है। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करे, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। पुलिस और सरकार दावे करती है हम महिला अपराधों के प्रति गंभीर हैं, लेकिन ये दावे मुरार निवासी महेन शर्मा उनकी पत्नी के मामले में झूठे साबित हो रहे हैं। दरअसल महेन शर्मा की नाबालिग बेटी बीती 16 अप्रैल से लापता है। माता पिता को शक है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। इसकी शिकायत शर्मा दंपत्ति ने मुरार थाने में की, लेकिन पिछले 37 दिनों से पुलिस खाली हाथ है। माता पिता का आरोप है कि हम रोज थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। परिजन ग्वालियर पुलिस अधीक्षक और CSP तक से शिकायत कर चुके हैं। शर्मा दंपत्ति का आरोप है कि आरोपी का परिवार रसूख वाला है, जिसके कारण पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई करने से बच रही है। हमारी मांग है कि ये श्री प्रशासन अपना काम ढंग से करे, आज सुनवाई नहीं करे, बिल्कुल भी हम सब जगह हुआ है, पैसा ना है, खून हो गया, CSP के लगते सब किया, यहाँ सब क्या हुआ है, तो वो हर सुनवाई नहीं करते कैसे भी, वो प्रशासन के ऊपर से राजनीति जो ऐसा कर लिया है, डबल हाइट पुलिस के ऊपर, जी हर सुनवाई नहीं करती। सर आज तक कोई पता नहीं चल रहा, एक महीने साथ दिन हुआ सर, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस को कार्रवाई नहीं करती, तो हम SP के पास भी गई तो SP ने पुलिस को फोन लगाया, क्यों काम नहीं कर रहे थे, पुलिस ऐसे आना काम नहीं करती थी, क्योंकि वो कैसे खाते हैं, SP ने भी कैसे खाया, पुलिस ने भी कैसे खाया। सर SP को किस बात का पद मिला है सर, जो जनता की सुनवाई नहीं कर रहे, तो किस बात का पद है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।